हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास सिक्स की साइंस की वर्कशीट नंबर 35, जो कि आपकी डेट 19 फरवरी की है। गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जो पत्तियां हैं वो भाई खाना बनाती हैं अपना किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ए ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। उसमें क्या होता है, जब लीव्स अपना खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रोसेस में। ठीक है, ये देखिए अब क्वेश्चन आंसर है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंप्लीट द गिवन प्रोसेस डैश प्लस वाटर। तो आपका आएगा यहाँ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है, और ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है आपका, ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, ग्लूकोज आप लिख लेंगे, ग्लूकोज। फिर बी है आपका, पोटैटो स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ। जो पोटैटो है वो किस क्या है, किसको वो स्टोर करता है, तो हमारा स्टार्च को स्टोर करता है। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट करना है और रीराइट लिखना है। डैश स्टेम ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो बेटा यहाँ स्टैम्प नहीं आएगा, यहाँ रूट्स आएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे रूट्स लिख लेंगे और पूरी लाइन बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखेंगे। सेकेंड है, लीव होल्ड्स द प्लांट अपराइट। गलत, लीव नहीं पकड़ती है प्लांट को, क्या पकड़ता है आपका, स्टेम। तो यहाँ आएगा स्टेम, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। थर्ड है आपका, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। तो रूट कंडक्ट नहीं करती है, यहाँ भी आपका क्या आएगा, स्टेम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर टू है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ इज मेकिंग ऑफ फूड बाय अस इज डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग ऑफ फूड फॉर द प्लांट बाय द लीव्स। तो जो हम खाना बनाते हैं और जो प्लांट खाना बनाते हैं वो डिफरेंट कैसे है, तो क्या है भाई डिफरेंट? तो इसमें इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लिख लीजिएगा, वी प्रिपेयर फूड फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, डेट आर आइदर प्लांट और एनिमल ड्राइव। ठीक है, और अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय सनलाइट। ठीक है, सनलाइट और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए होता है भाई, और वाटर फ्रॉम कहाँ से लेते हैं, वाटर सॉइल से ले सकती हैं, या जो बारिश होता है वहाँ से, वाटर फ्रॉम रूट्स लिख लीजिए आप। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए इसका मतलब क्या होगा कि जो हम अपना खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, प्लांट के हो सकते हैं और एनिमल के हो सकते हैं ना, सब्जी बनाने के लिए। लेकिन जो पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन सब के प्रेजेंस में बनाते हैं। तो यही आपका आंसर नंबर टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए थ्री देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपिरेशन आपको बता रखा है। ए प्रोसेस इन विच द वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यानी ये आपकी पत्तियां हैं, आपने देखा होगा ओस की बूंदें, हम जो बोलते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वो आपकी क्या होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का होता है, कि लीव पे से पानी बाहर आता है।
आपको क्या करना है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द ट्रांसपिरेशन अकर फ्रॉम द लीव्स। तो आपको ऐसे ही एक डायग्राम बनाना है, वैसे तो मैंने बना दिया है, ऐसा ही बनेगा। चलिए फिर आपका फोर्थ, ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मेन पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल। तो ये आपके मेन पार्ट्स हैं। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का यहाँ पे डायग्राम बनाना है। तो चलिए थर्ड और फोर्थ के आंसर हम देख लेते हैं। ये देखिए ट्रांसपिरेशन का है ये आपका, ठीक है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, वाटर जा रहा है, उसके बाद वाटर ऊपर जा रहा है, और ये लीफ से आपका वाटर बाहर निकल रहा है। ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। थर्ड में आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, या नॉर्मली आप लीफ बना दीजिए, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हुए ऐसे दिखा भी सकते हैं, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं आंसर। ये देखिए भाई आपके फोर्थ का आंसर, फोर्थ में आपको क्या क्या दिखाना था, स्टिग्मा दिखाना था, स्टाइल दिखाना था, ये इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, पेटल्स भी दिखाना था आपको, स्टेमन भी दिखाना था, सेपल्स भी दिखाना था। तो पिस्टल के अंदर ये ओवरी और ओव्यूल भी आ जाएगा, ये आपकी लीफ हो गई, ये वाला आप मत बनाइएगा, ठीक है, यहाँ तक आप बना लीजिएगा, इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।